पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना उनकी जिंदगी का ध्येय है। इस देश में अलगाव, इस देश में भटकाव, इस देश में बंटवारा और जाति और धर्म के नाम पर लोग लड़े, ये दिग्विजय सिंह जी का एजेंडा है। और ये केवल दिग्विजय सिंह जी का एजेंडा नहीं है, पाकिस्तान के एजेंडे को वो हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। आतंकवादियों को संरक्षण देने और आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने का काम करने वाले नेता के मुंह से भाईचारे की बात शोभा नहीं देती। मुझे लगता है कि केवल और केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए वो इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं। अब टोल फ्री नंबर भी जारी किया कि मैं मिस्ड कॉल दो, इसमें घंटी बजेगी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने में लगी हैं। कमलनाथ जी ने उन्हें घर बिठा दिया। कमलनाथ जी कांग्रेस में उन्हें किसी भी तरह की एंट्री देना नहीं चाहते। और यदि वो महंगाई की बात कर रहे हैं तो वो 10 साल के अपने कार्यकाल और 15 महीने की जो उनकी रिमोट की सरकार थी जो कमलनाथ जी चला रहे थे उसके बारे में जरूर बता दें। उस समय की अर्थव्यवस्था और उन्होंने किस प्रकार से भ्रष्टाचार को प्रक्षय और संरक्षण दिया इसके बारे में भी बता दें। सामने बैठी थी प्रियंका गांधी, ताली बजा रही थी प्रियंका गांधी, बातें करती हैं यूपी में जाके यूपी की, पंजाब में जाके पंजाब की। इससे ज़्यादा शर्मनाक का हो क्या होगा इस संवैधानिक देश में, फेडरल सिस्टम में जहाँ पर संघीय ढांचा है। इस तरह के यदि बयान आएंगे तो इससे और शर्मनाक क्या हो सकता है। चन्नी जब ये बात बोल रहे थे तो प्रियंका गांधी भी तो सुन रही थी, खंडन क्यों नहीं किया। ये बहुत ही शर्मनाक है और इसका खामियाजाना सरकार कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, बोली लगेगी, बोली 10 जनपद में चुनाव उनाव नहीं होगा। कांग्रेस में हर पद की बोली लगती है और सबसे बड़ा सेठ जो होगा वो बोली में जीत जाएगा। टाइम न्यूज़ देखिए।